कोई दर मिले जो दर दे दिल की दवा दे। सब समझती हूँ मैं तुम दोनों बहनों की चलाकियाँ। पहले मेरे बेटों पर कब्जा किया है और अब तुम दोनों ये प्लान कर रहे हो कि मुझे नीचा दिखाओगे, और अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मम्मी, आपने बुलाया? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम इन लोगों को फोन करके घर बुलाओ? नहीं मम्मी। सामिया, कौन किसका कितना साथ दे रहा है ये साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। कैसे अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताओ, तुम शादी पर नजर नहीं आए? एक्चुअली बरेड़ा के एग्जाम्स हो रहे थे, इसलिए मैं शादी में शिरकत ना कर सका। एक्चुअली बरेड़ा मुझसे ज्यादा बेताब थी आने के लिए, अक्सर आती थी सामिया से मिलने ऑफिस, बहुत पसंद करती सामिया को। बेटा एक बात बताओ मुझे, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अंकल, जिस दिन कोई अच्छी लड़की मिली जरूर शादी करूंगा, वरना मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए वक्फ कर दिया। बेटा बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन एक दिन वो घर छोड़कर अपने घर चली जाती है और इंसान का दिल, दिमाग, घर, आंगन सब सूना पड़ जाता है। इसी घर को देख लो, इतना बड़ा घर है और साए साए कर रहा है। अंकल आपने तो मुझे डरा दिया। बेटा डराना मेरा मकसद नहीं था, मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। खैर अंकल, सामिया कैसी है? अब तो दोनों बहनें घर में हैं, बहुत रौनक लगी रहती होगी। हाँ बिल्कुल लगी रहती है, तुम तो जानते हो कि जहाँ पे सामिया और लुबना इकट्ठी हों वहां पर कोई बोर नहीं हो सकता। माशाल्लाह खुश हैं, अल्लाह उन्हें अपने घर में आबाद रखे। अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन। अंकल ये गिफ्ट लुबना की शादी के लिए मैं आ नहीं सका, इसलिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा मुझे ये बताओ कि दफ्तर का काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है अंकल। बेटा किन सोचों में गुम हो? हमारी सास ने कभी तुमसे तो हंसी मजाक नहीं किया, फिर ये लुबना पे इतनी मेहरबानी क्यों? चलो इसी पर तो मेहरबान हो। हमारी सास कभी ना पुलिस वालों जैसा हाल है, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मन। क्या कहना चाहते हैं? बेटा मैं ये सोच रही थी कि ना तुम्हारी शादी फातिमा की पसंद से हुई है और ना ही लुबना की शादी, लेकिन फातिमा जिन हालात में लुबना को ब्याह के लेकर आई है ना, मुझे नहीं लगता था कि वो इसे बर्दाश्त करेगी, कबूल करेगी, लेकिन अब उसे इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये लुबना की अच्छाई है, अपने मजाक से सबका दिल जीत लेती है। बेटा औरत ना अपनी खिदमतों से ससुरालियों का दिल जीतती है। फिर शायद उसका नसीब बहुत अच्छा है। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो, लेकिन तुम्हारी सास है बहुत गहरी औरत। लेकिन आपको पता मेरी सास की सास सबसे अच्छी सास। अरे मेरा बच्चा, दादू को मक्खन लगा रही हो ना? मार्जरी। अरे
एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के गई थी, उसने क्या कहा? सब कुछ ठीक है, लेकिन दुआ और इंतजार करने का कह रहे थे। अल्लाह करे सब खैरियत हो, मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आमीन। आजो आजो, चलो खुश रहो मेरा बच्चा। कितनी मजेदार खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? पेट में चूहे दौड़े। हमारा पसंदीदा बीफ कौरमा। ये सुन के तो पेट में मजीद भूख जा गई। बस आधे घंटे में पक जाएगा, उसके बाद देती हूँ। नेकी और कुछ कुछ। अच्छा सुनो, घर में तो इतने मजे के खाने नहीं बनाती थी तुम, ससुराल आकर क्या हो गया तुम्हें? कहीं अरसलान भाई की मोहब्बत में तुम्हारे हाथ में जायका तो नहीं जगा दी? फजूल बातें करे, कुछ सुन लेगा। अच्छा एक बात तो बताओ, शाम में मम्मी से क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं, वो मुझे फरकान और अरसलान भाई की बचपन की किस्से सुना रही थी। कह रही थी कि अरसलान भाई जितने सीरियस है ना बचपन में, उतने ही शैतान। उसे खाना तो बहुत लाजवाब लग रहा है। अच्छा सुनो, जो खाना बचेगा ना उसको प्लीज मेरे लिए फ्रिज में छुपा देना, मैं कल दोपहर में भी वही खाऊंगी। ओके मैडम, छुपा दूंगी आपके लिए। थोड़ा और छोटा कर, तुम मुझे बताओगी? इतनी मिर्चें। इतनी मिर्चें कौन डालता है भाई? लगता है पूरे महीने की मिर्चें डाल दी इसमें। देखो नया, मेरे तो सीने में जलन शुरू हो गई है, तौबा है। मैंने तो बहुत मुनासिब मिर्चें डाली थी। सामिया तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो खाना ठीक ठाक बनाती, अच्छे खासे खाने का बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने। नहीं मूड होता है तो मत बनाया करो ना। मुझसे नहीं खाया यार, मेरे लिए कुछ और मंगवा दो। मम्मी मैंने थोड़ी देर पहले खाना चखा था, तब मिर्च मसाला बिल्कुल ठीक था। नहीं अचानक से क्या हो गया है? तुमने चखा था? जी मैंने खुद चखा था। मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर देता हूँ। ये सब तुम इसलिए तो नहीं कह रही हो कि बहन को कवर कर सको? मम्मी ना ही मुझे किसी को बचाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत है, और ना ही ये घरेलू साजिशों में शामिल होने का शौक। कोई अच्छी बात तो नहीं है, इतना खाना जाया हो गया। यही बातें मुझे बुरी लगती हैं बस इस घर में। तौबा तौबा। आपकी चाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरसलान, आपने बात की थी मम्मी और बाबा से अलग घर की? मेरी हिम्मत नहीं हो रही सामिया, और वैसे भी अब तो मम्मी का रवैया बेहतर है ना तुम्हारे साथ। लेकिन मैं अलग रहना चाहती हूँ, जहाँ पे सिर्फ मैं, आप और कोई भी नहीं। मम्मी नहीं मानेंगी सामिया, और वैसे भी अब तो लुबना है ना इस घर में, ऊपर से इतना बड़ा घर है। यानी आप मुझे इनकार कर रहे हैं? नहीं सामिया,
मैं बस कुछ टाइम और यहाँ गुजारना चाहता हूँ। फुरकान और लुबना जैसे ही हनीमून से वापस आएंगे मैं खुद मम्मी और पापा से बात करूंगा इस बारे में। यानी कि आप मुझे टाल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सामिया, अब तो मैं पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गया हूँ तुम्हें लेके। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि अब पहले से भी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें, बहुत ज्यादा। मैंने अकबर से साफ कह दिया जैसे पैसे आए अरसलान को शुक्रिया अदा करके पैसे लौटाने। एक भाई को बुरा नहीं लगेगा तो क्या हुआ, दूसरे को तो लग सकता है ना। जाहिर है तुम दोनों बहनें अब एक ही घर में हो। वैसे भी साम्या आजकल अकबर को बहुत मलाल रहने लगा है, उन्हें लगता है कि उस घर में उनकी अब वो हैसियत नहीं रही जैसे पहले थी। आप यकीन करें कि अरसलान ने मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं कही, आपने बस ऐसे ही अभी को कह दिया। तो बेचारे परेशान होते होंगे। अब मैं गई थी वहां, अम्मी और अभी को देखकर बहुत दुख हो, इतना उदास और परेशान बैठे थे। जी सुनो, आज मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, तुम और लुबना भी आ जाओ ना। लुबना तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रही है। वैसे भी मम्मी ने कहा है कि हम दोनों बारी बारी घर जाएंगे। हुक्म हाकिम मर गए मफाजात। आप भी ना कभी कभी तो अभी वाले अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं। इतना दिल चाह रहा है तुम दोनों बहनों से मिलने का, तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी सास को बोलो ना कि अपनी बेटी के पास लंदन चली जाएं। हम तीनों बहनें मिलकर एक दूसरे से दुख सुख तो कर लें। आप ऐसी बात देना क्या करें, आपको पता है कि फोन में भी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर ऐसा होता ना तो सबसे ज्यादा ऑडियो मेरी वायरल होती। आप भी ना कभी कभी हद कर देती हैं बातों में। वाह भाई वाह, बड़ी हंसी मजाक चल रहे हैं। हाँ हेलो हेलो, किचन का काम कौन करेगा? मैं? सारा दिन तुम फोन पे लगी रहती हो, घर की भी कोई फिक्र है या नहीं? ये लो अकबर मियां, पूरे 15 लाख रुपए आज सुबह ही बैंक से निकलवाए, चाहो तो गिन लो। अब भी क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, माँ बाप बच्चों पे एहसान नहीं किया करते, तुम हमारे दामाद थोड़ी हो, हमारे बेटे हो। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई आपने मुझे बेटा कहा नहीं बल्कि बेटा समझा भी। मैं आपका एक एक रुपया वापस लौटाऊंगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, जिंदगी अक्सर ऐसे इम्तिहान लेती है कि हम चाहकर भी कामयाब नहीं हो सकते। अम्मी अगर हमने अरसलान के पैसे वापस ना देने होते तो हम अब भी और आपको कभी तंग ना करते। अच्छा किया ना बेटा, अच्छा किया हमसे कह दिया, और किससे कहते? अरसलान की सास का तो रवैया देखा है ना तुमने, पल में तूला पल में माशा। अच्छा होता है कि इंसान अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े। बस ये सब कुछ सोचकर हम चुप हो गए थे। अरे बेटा इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारा नवासा किधर है, हैं? अरे तुम लोगों ने तो वादा किया था कि उसे साथ लेकर आओगे। मैंने तो बहुत कहा उसे अभी कि चलो नाना नानी के घर चलते हैं, लेकिन कहने लगा नहीं सामिया और लुबना खाला तो होंगी नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। और वैसे भी शहजादी आई हुई है ना घर पे, सारा दिन उसके साथ बैठकर वीडियो गेम्स खेलता है। वो शहजादी की भी ना बहुत जल्द ही शादी होने वाली है, फिर वो हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चली जाएगी।
तबसुम में अब्बी का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कितने मुश्किल टाइम पर उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तुम्हारे नसीब से मिले। हाँ, इन्हें जाकर अलमारी में रख दो संभाल के। बहुत ही सही वक्त पे आए हैं हम दोनों। जबरदस्त कश्मीरी चाय बनाई है, लेकर आओ। नहीं, मेरा दिल तो नहीं कर रहा। अच्छा सोच ले, शहजादी के हाथ की कश्मीरी चाय तनी कब नसीब हो फिर। चलो ले आओ। ठीक है, तबसुम अगर पी रही तो मैं भी पी लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों चाय कमरे में, मैं भी लेकर आई। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारी मदद की, तेरा शुक्र। जलाए थे ना, मैं तुम्हारा नसीब जला दूंगी। अकबर, अरे अकबर, 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 तेरे कमरे में अलमारी में आग कैसे लग गई? हाँ? क्या? अलमारी में आग लग गई? हाँ तो कोई बात नहीं ना, कुछ ही तो कपड़े जले होंगे, कोई बात नहीं, नए कपड़े आ जाएंगे। हमारे 15 लाख रुपए जल गए और तुम कह रही हो कोई बात नहीं? दफा हो यहाँ से। 15 लाख? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पर इतने सारे पैसे हाँ, और आए और वो सारे के सारे जल गए हाँ? अम्मा, ताया के पैसे वापस करने के लिए मैंने जाके अरसलान से पैसे लिए थे, फिर हमने ये सोचा कि अरसलान को उसके पैसे वापस कर देते, इसीलिए फिर अब्बी से उनसे पैसे उधार लिए कल रात जो जल गए। अल्लाह, जिंदगी में पहली मर्तबा हमारे घर में पैसे आए थे और वो भी सारे के सारे जल गए। देख अकबर, अकबर मैं तुझे अभी भी कहती हूँ, ये औरत इस घर के लिए मनहूस है, तुझे कभी भी पनपने नहीं देगी। तेरे ससुर की तो नियत ही नहीं थी तुझे पैसे देने की। नियत का देख लिया ना, जैसी नियत वैसा नतीजा, सारे के सारे पैसे जलकर खाक हो गए। जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। बस कर दो बेटा तबस्सुम, और कितना सोग मनाओगी, जो होना था हो गया बेटा। मैं भी इसको यही समझा रहा हूँ। लेकिन अकबर बेटा, ये तो बताओ कि आग लगी कैसे? अभी वो इलेक्ट्रिशियन तो ये बता रहा था कि अलमारी के पीछे एक स्विच बोर्ड है, उसमें तारे आपस में लगे होंगे, गर्म हो गए होंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, चिंगारियां निकल गई होंगी, वल्लाह आलम क्या हुआ होगा। लेकिन बेटा आग में तो इतनी हिद्दत होती है, तुम लोगों को पता ही नहीं चला इतनी आग लग गई। अकबर बहुत गहरी नींद सो रहे थे, मैंने बहुत उठाया तब जाके उठे। अरे भाई, तो जान बच गई, शुक्र है अल्लाह का, ऐसा तो आनी जानी चीज है, फिर आ जाएगा। अरे भैया,
इतने अरसे बाद तो आपने अपने बेटी को कुछ दिया। अल्लाह माफ करे, किस नियत से दिया था कि आग ही लग गई। अरे माँ माँ, ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है। यही वक्त है अकबर, यही वक्त है तुम्हारी और इन सब की आंखें खोलने का। पता नहीं कौन सी मनुस घड़ी थी जो तुम लोग के घर से ये लड़की भी आके लाई मैं, खाली जेब खाली हाथ, और ऊपर से ये लड़की हमारे सर पे थोप दी तुम लोगों ने। ये ना हुआ कि दामाद को कोई छोटा मोटा कारोबार करवा देते और ऐसी लड़की दी तुम लोगों ने जो चार बच्चे भी पैदा ना कर सकी, पांच कहीं की। पांच नहीं हूं मैं, एक बेटा है मेरा, क्यों भूल जाती है ये बात। खातून, आपको ऐसी जुबान जेब नहीं देती। बहन, आपको ऐसी जबान इस्तेमाल करना जेब नहीं देता, चुप कर जाओ। मेरे बेटे को ससुराल में गुलाम बना के रखा है तुमने। अकबर, मैं कह रही हूँ अभी के अभी इसको तलाक देकर इसके माँ बाप के साथ रवाना कर दो। नहीं चाहिए ऐसा कंगला खानदान और बाज बहू। मेरी बेटी के साथ इस घर में क्या ये सुलूक होता है? नहीं अभी, अब अम्मा तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम अंदर अंदर चली जाओ ना, जाओ अंदर जाओ। चुप करो, तुझे भी आदत हो गई है इन लोगों की कलवे चाटने की। सन मुरीद कहीं का बैठा रहे मनुष्य यहाँ पे तू। मुझे पता, तुम्हें सदमा है। बस बेटा, चलो हमारे साथ फौरन। तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक होता है इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई हल थोड़ी है मसले का। जब इनके मसले हल हो जाएंगे ना, तो हमारी बेटी भी इस घर में वापस आ जाएगी। चलो तबस्सुम। अभी अभी अल्लाह का वास्ता है आपको, मेरी तबस्सुम को यहाँ से मत लेकर जाए अपने साथ। आप तो समझदार आदमी, आप तो समझते होंगे। देखिए मेरी बात सुने, अम्मा की तबीयत खराब हो गई ना, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रकम है वो जल जाएगी, तो इंसान के दिमाग पे भारीपन होगा, इसलिए अजियत के शिकार होकर चली गई है वो। आप तो समझे अभी। अकबर बेटा, गुस्से में ही जो अंदर के जज्बात होते हैं ना, वो तो बाहर आ जाते हैं। बेटा चलो। नहीं अभी, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। आप लोग घर जाएं, घर जाएं अम्मी को ले। चले चलते चले। तैयबा मेरी बात सुनो, जब तुम आओगी ना वलीमा तभी होगा। और अगर मैं अगले साल तक भी नहीं आ सकी फिर? हाँ तो मैं साल तक वलीमा नहीं करूंगी, समझ लो इस बात को। अब मम्मी, वलीमा सुन्नत है। मेरी बात सुनो, वालिदैन के जो अतात होते हैं ना, वो भी औलाद पे फर्ज होते हैं। तुम्हारे भाइयों ने तो कोई फर्ज पूरे नहीं किए, मैं सारी सुन्नतें पूरी करती रहूं। हाँ और बात सुनो, ये जो चोचले होते हैं, ये नाज नखरे जो होते हैं ना बहुओं के, ये उनके उठाए जाते हैं जिनको प्यार से लेकर आते हैं। ना मैं प्यार से लाई हूँ, ना ही मेरा दिल था। भाई मम्मी, मेरे ससुराल वाले मुझसे सवालात करते रहते हैं कि ना बड़े भाई का वलीमा हुआ है, ना छोटे भाई का वलीमा हुआ है। ये ना तुम्हारे मनूस ससुराल में जो शादी थी ना, ये सारा चक्कर उसी में हुआ। ना हम उस शादी में जाते और ना ये डायने हमारे पीछे लगती। अच्छा बस, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तबीयत? अरे यहाँ तो जिंदगियाँ खराब हो गई हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें मेरी जिंदगी पे आ गई हैं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि मेरे बच्चों की नस्ल आगे बढ़ा भी सकेंगी कि नहीं। वो दोनों अपनी बीवियों के साथ बहुत खुश हैं, और आप भी उन्हें खुश रहने दें, ठीक है? बात सुनो, दूर बैठ के ना मुझे लेक्चर मत दिया करो, जाओ अपना काम करो। हेलो, लो जी इंटरनेट भी बंद हो गया।
आए जरा ये इंटरनेट के पैसे लेने, बताती हूँ उसको मैं। आपने अकबर की वालदा की जुबान सुनी थी, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती होगी मेरी बच्ची वो सब कुछ। और जिस वक्त मैं तबस्सुम को घर लाने की बात कर रहा था उस वक्त तुम क्यों खामोश रही? अरे तबस्सुम को हमें घर लेकर आना चाहिए था, और जब तक अकबर मियां और उसकी वालदा माफी ना मांगते उसको वापस नहीं भेजना चाहिए था। मैं तो अकबर की वजह से खामोश रही ना, वो तो अच्छा है ना हमारी तबस्सुम के साथ। अरे रहने दो, ससुराल में औरत की इज्जत उसके शौहर की वजह से होती है, अकबर की अपनी कोई इज्जत उसके घर में नहीं है, तो वो हमारी तबस्सुम की खाक इज्जत करवाएगा? और वो खातून, अरे किस खुशी में हमें ताने दे रही थी, सारी जिंदगी तबस्सुम का घर हमने भरा है, और वो अकबर मियां, सारी जिंदगी उन्होंने कोई दो दिन भी लगकर काम किया है, नौकरी की है कोई, और से वो 15 लाख, वो भी जो जले वो भी हमारे थे। अच्छा आप बेटियों के बाप हैं, जरा हौसले से काम लें, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस तबस्सुम की तरफ से परेशानी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अरे ऐसे बेकदरे लोगों में अपनी हीरे जैसी बेटियां ब्यानी नहीं चाहिए। हमारी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी जल गई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अच्छा खैर बात सुनो मेरी, उसको तबस्सुम को फोन करो और उसे कहो कि सामिया और लुबना से इस बात का कोई जिक्र ना करे, और तुम भी उनसे कोई बात ना करना, खामखा उनकी सास को पता चला तो वो उल्टी सीधी बातें उन्हें सुननी पड़ेंगी। ठीक है मैं कर दूंगी फोन, अभी आप उठे ना, उठ के कमरे में जाएं, आराम करें, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, आपकी दवाई भी लाती हूँ। अच्छा ठीक है। सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरा अपना सर भी चकरा रहा है। फरकान, उठो। है लुबना यार, छोड़ दो, वैसी मेरी छुट्टियां हैं। हाँ तो छुट्टियां हैं तो सारा वक्त सोते रहोगे? उठो उठो। क्या बदतमीजी? हाय अल्लाह, मेरी अम्मी भी ना यही कहती हैं, देर तक सोते रहना बदतमीजी होती है। और आपने अभी जो बदतमीजी की है इसकी तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा सा नाश्ता करोगे? क्या मतलब, ये चाय मेरी लिए नहीं है? बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं कि सुबह उठूं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं और फिर तुम्हें उठाऊं और चाय पिलाऊं। बहुत भूख लगी है मुझे, प्लीज नाश्ता करने चले। ठीक है चलते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? जहाँ तुम्हारी जेब इजाजत दे। मिसेस फरकान, शायद आप भूल रही हैं कि आपका शौहर एक गरीब इंसान है, मैं तो आपको बस पठान के ढाबे से कुछ खिला सकता हूँ। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि हम वलीमे की सलामी से मौज मस्ती करते हैं। सॉरी यार, मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा का वलीमे करने का कोई इरादा भी है। हाँ मुझे तो पूरा यकीन है। ले लो चाय, तुम भी क्या याद, अभी चाय पी के जल्दी से तैयार हो जाना, हमें नाश्ते के लिए जाना, ठीक है? कोई नजर नहीं आ रहा घर में, कहाँ चले गए सब लोग? बेटा घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बाबा बैंक गए हैं, लुबना और फरकान बाहर नाश्ते पर गए हैं, आपके लिए कुछ ला दूं? बेटा तुम्हारी शादी को कौन से 10-15 साल हो गए, बाहर आया जाया करो अरसलान के साथ। अरे भाई ये खाने पीने के जो चोचले होते हैं ना, ये वो मर्द करते हैं जिनका दिल होता है अपनी बीवियों में।
तो अल्लाह जानता है आजकल अरसलान किन कामों में मसरूफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक प्रोजेक्ट है, इस वजह से मसरूफ रहते हैं। खैर, जहां चाह वहां राह। और ये मोहब्बत जो होता है ना, ये बड़ा वक्ती जज्बा होता है। और जो बीवियां होती है ना, ये मर्दों के पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं औलादों की, और फिर एक के बाद एक के बाद एक डालती चली जाती है। वहां मर्दों के कसबल निकल जाते हैं। वैसे एक बात है फातिमा, तुम इस मामले में बहुत ही खुशनसीब रही हो। शादी से पहले भी मेरा बेटा तुम्हारा दीवाना था और अब भी तुम्हारा दीवाना है। अम्मी जी, वैसे ये आपकी मजाक करने की आदत ना मुझे बेहद अच्छी लगती है। क्या बैठी हुई हो आज, सिर्फ बातें खिलाओगी? खाना लगाओ ना भाई। अम्मी जी, ये बातें अपनी बहू के सामने करना आपको जरूरी था? और तुम्हें क्या जरूरत थी बहू के दिल में वसवसे डालने की? बाज ना आना अपनी आदत से, तौबा है। जमाने में तेरी बेवफा, किन सोचों में गुम है? कहीं चाचा जी याद तो नहीं आ रहे? देख शहजादी, वैसे मेरा दिल जला हुआ है, 3-5 मत कर मुझसे। एक तो इतनी मुश्किलों से तबस्सुम के घर वालों ने अपनी जेब ढीली की थी, वो भी हमारे हाथ नहीं लगे पैसे। सारी जिंदगी ऐसी गुजरी है, अगर सोने को भी हाथ लगाया है ना, वो मिट्टी बन गई है। नसीब फूटे और मेरे बच्चे को तो अपने कारोबार की हसरत ही रह गई। यही तो मौका है, भेजो तबस्सुम को अपने घर और बोले तो हिस्सा दो, वरना उन पैसों की तरह ना आपके बेटे को भी आग लगा देंगे। तुम कितनी जालिम सास बनोगी ना? सास बनने में अभी बहुत वक्त है, मगर बहू मैं बेमिसाली बनूंगी। अल्लाह शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। शहजादी, मेरा दिल तो खून के आंसू हो रहा है। मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। इसीलिए कह रही हूँ, अभी भी मौका है, शादी करवा दे मेरी अकबर से। अब्बा जी अकबर को सोने में तोल देंगे। ये तबस्सुम ने रात को जो हंगामा किया है ना, उसके बाद मेरी आंख ही नहीं लगी। मैं जरा थोड़ी देर अपनी कमर टिका लूं। जाओ तुम आराम कर लो, मैं भी आराम कर लूं। वरना उन पैसों की तरह ना आपके बेटे को भी आग लगा देंगे। ये सब कुछ कहीं शहजादी ने तो नहीं किया? और शहजादी, अगर तू इसके पीछे निकली ना, तो देख लेना मैं तेरा नक्शा ही बिगाड़ दूंगी। मॉम, आपको पता है मैं जब जब ये किस्सा याद करती हूँ ना, मैं इतना ही हंसती हूँ। और वैसे भी अरसलान, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरी कोई भी पोस्ट हो ना, तुम उन सब में हो। आई मीन यू हैव ऑलवेज बीन इन माय गुड मेमोरी। थैंक यू। अब चले ऑफिस, तुम्हारे घर पे लंच के चक्कर में 2 घंटे का ब्रेक हो गया है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने अच्छे से लंच तो किया है? नहीं नहीं हंडी, पेट भर के खाया है। थैंक यू। बेटा पहले अक्सर तो तुम दोनों लंच ब्रेक पे घर आ जाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसे ही आते जाते रहना। वैसे आपको पता है मम्मा, इनको तो अपनी मिसेस के हाथ का क्या चिकन कौरमा खाना था। I told him, let's go home, हम जाके शेफ से कोई अच्छा सा पास्ता बनवाएंगे, तब जाके ये राजी हुए, वरना तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे।
लेकिन बेटा बीवी को खुश करना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा चलो, I'll bring my bag and then हम वापस चलते हैं। अरसलान बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। एक्चुअली फरिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए हैं, तुम अगर उसे मना लो शादी करने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ कि तुम नहीं चाहते कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह? देखिए आंटी, मैं दिल से फरिया के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं। अगर मैंने फिर से कोई ऐसी वैसी बात की और वो जज्बाती हो गई तो आंटी मैं उसके जज्बातीपन से बहुत डरता हूँ। वो कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक भी जा सकती है। यही तो मसला है हसन, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मसले का हल कैसे निकालूं, तभी तुमसे हेल्प मांगी। चलो लेट्स गो। चले आंटी, हम निकलते हैं, बस देर हो रही है। जरूर बेटा, आना दोबारा। ओके मामा, सी यू।